कि नमस्ते बोलत हैं, जैसे कि हम जाने पहचाने हम रंभा राम दुहल हैं। कुछ सुनाए कि आज हमारा एगो मौका मिलल बा एगो कथा के रूप में। बीतल बात 30 बरिस पहले कैसे गुजरा रहा हमने के दिन हमने के परिवार के साथ, तो आज वही हम तोहल के सुनावे जात हैं कि 30 बरिस पहले कैसे कैसे रहल लड़का लोग, कैसे जिए और अभी कैसे जियत हुआ जा। तो 30 बरिस पहले जब हम जानी ला, यानी कि जहाँ हम रहत रही वहाँ सबसे पहले हुआ तो यानी कि लालों पेट्रोल बोलल जला ना हौ बारत ऐसा माटी के चिराग कूड़ा नहीं रहल। औसन समय के बात हम बोलत हैं, जबकि हम वो सब देखले हैं तो वही बोलत हैं बहुत कठिनाई से आज यहाँ तक पहुँचल हैं सब। और हमने के लड़का लोग के जो सुविधा अभी मिलल बा बहुत हौ सब चाहला हमने के सुनाए के बोले के, ताकि वो लोग जानी कैसे कैसे हमने कौन समस्या में गुजर के आज यहाँ तक पहुँचल हैं जा। यानी कि सबसे पहले हम बोलत हैं कि पहले जैसे एगो शादी के एगो एग्जाम्पल हो आपसे, जब एगो शादी रहे गांव में तो एक सप्ताह पहले वहाँ के सभा के लोग जयन से जंगल में लकड़ी काटे, जैसे लालुआ काट के आन के पंडाल बनेन से एक सप्ताह लगी पंडाल बनाए के। तो पंडाल बन जाए तब ओके डेकोरे करियन से, कोई चीज़ से डेकोरे होता है पापी मुस्लिन से, ओके काट के फूल बनावा, ओके से लासन बना के भरती लाता डेकोरे करा, फिर जाके जंगल से पिचिविया काट के आना ओकर से डेकोरे करा, फिर बनान के पत्ता इत्यादि है सब से आन के इतना ले ओके डेकोरे करके कि तू उ पंडाल देखते रह जेबा। उ बिन पैसा से उ सब हुआ था, लेकिन अभी सब कुछ ऐसे लगा था कि खाली पैसा से हुआ था, पैसा पैसा ही सब कुछ नहीं असूझ बता तहला तनी मेहनत करी की। तो हमने बहुत मेहनत करके आज इतना तक आल हैं सर, लेकिन जब हम जातनी शादी उदी में तो देखब तनी देखोगे उ करत हों सर, तो हम ओकर बनाबल तनी कमती ध्यान देवत तली देखब जहाँ पर मौसी लोग तनी अपन ढुलुक लेके बैठल हों सर ना, तब वहाँ चल जाब तो हम जाके तनी ध्यान देवब कोई चीज गावत हों सर। तो हवे में सुन सुन के तनी एक आध गो गीत हमके याद बहबी ले जौन मौसी लोग नानी लोग गावत रहन सर। दूर से जियली बरियतिया पुड़िया बड़ा रेद पकलबा, दूर से जियली बरियतिया पुड़िया बड़ा रेद पकलबा, खाई के बखतवा जब होला बराती भाई खोजत बा, खाई के बखतवा जब होला बराती भाई खोजत बा, दूर से जियली बरियतिया पुड़िया बड़ा रेद पकलबा, दूर से जियली बरियतिया पुड़िया बड़ा रेत पकलबा, खाए के बखतवा जब होला बराती भाई खोजतबा, खाए के बखतवा जब होला बराती भाई खोजतबा। ये एगो छोटा सा एगो टुकड़ा गीत रहल जौन आज तक हमार कपार में यानी कि काँपते हो गल बाते, तो एगो टुकड़ा गा देनी है। ऐसे तो बहुत गीत बाटे में फिर भी है हमार बचपन के गीत है। तो हमने पहले लेकुल जाए सा सरकारी पाठशाला होने से अब 3 बजे तो कहाँ जाप सा चाव पी के, तो अब जाप सा बैठका, बैठका में जाप सा हिंदी पढ़े। तो गुरुजी लोग हमने के हिंदी पढ़ाए और एक आध गो गीत दियन सा गाय के कविता बोले के, तो हम तनी ज़्यादातर तनी गीत में ध्यान दे देव तनी। तब गुरुजी लोग जब कोनो कार्य रही तब हमके दियन सा यानी कि परफॉर्म हुई के गीत गाय के या कोनो नाटक, तो ज़्यादातर हम गीत में ध्यान देव तनी। तो हबी के समय में लड़का लोग उस सब नहीं बा, हमने के बड़ा आदमी जहाँ जाए सत्संग में तो हमने के लेके जाता रहन सा, सत्संग में बैठका में एगो मीटिंग बा यानी कि कमिटी
तो लैका लोग के लिए जेंस तो हबी के समय में उस सब कुछ नहीं बा, हबी कुछ नहीं बा उन लोग के, यानी कि ज़्यादातर उ लोग अपन पढ़ाई में ध्यान देवत हन सा, माँ बाप मेहनत करी कमाई के पैसा लैका लोग के साथ डाल के पढ़ावत हन सा, यानी कि जन हमनी के जीवन में कमी हो रहा हमनी नहीं चाहते सा कि हमनी के लैका लोग के कमी हुई, वो लोग बहुत मेहनत करके लैका लोग के आगे बढ़ावत हन सा, तो लेकिन पहले उ सब नहीं रहल, बहुत गरीबी बहुत टेंशन पैसा, यानी कि जैसे कि हम अपन बोलत हैं झेला बोले कि हम एकदम एगो गरीब और कंगाल घर में जन्म ले ले रही, जहाँ पर 5 गो लैका रहनी सा, 3 गो बहिन 2 गो भाई, और पिताजी काम करियन माताजी भी काम करियन, तो ओकरे से राशन आनाई ओकरे में पढ़ाई हो, और पहले के ज़माना में जब लैका लोग कॉलेज जाए तो पढ़त हल फीस पे करी के, फीस पे करके तब न जाइबा कॉलेज, तो सब लैका के मौका नहीं मिलल पढ़े के, 5 गो लैका में कोई के मौका मिलल पढ़े के कॉलेज जाए के, कोई के नहीं मिलल, तो ऐसे इतना मेहनत करके तब पढ़ाई होल, और पिताजी काम करे तो ओकरे में लैका लोग के पढ़ाव लिखाव लेसों भेज, एगो यानी कि झगड़ा हिंदी में बोली ला सब, भोजपुरी में किरियोली में रोब बोलब सब, एगो रोब पहन के हई समेन के हम जाब शादी में ना, तो हो समेन के हमार दूसर बहन हवे रोबा में एगो बोला डाल के पहन के जाए, पैसा नहीं बाकी दें के तो हवे, अब हो समेन के हम जाब एगो कोनो फेत में तो हो बोलवा निकाल के अब हम रोबा पहन के जाब, ऐसे करके तो अपन जीवन गुजर रहे सब हम, हबी तो कितना लुगा बा यानी कि लम्बार में लुगा भरल बा नहीं बुझाता का पहन बा, सब मौक के लुगा बा, तो सोचे इतना गरीब में हमने गुजरल है सब, कैसे अभी सब तरह के खेल बा, तरह तरह के खेल बा, जुजू बा, सब चीज़ घर में किन के रखल, हमने के समय में कुछ नहीं रहल, हमने लामागेल खेला तनी सब, उहो एगो साली नहीं रही, एगो माटी में घेये करके ओकर लालिन खींच के, तो हमने एगो प्लात रोस खोज के पत्थर यानी कि हमने लामागेल खेला तनी सब, फिर दूसरा लाकोच सोती हौ रस्सी मिली तब न सोते हुई बा कहाँ जेब खोजी हौ, एगो एगो भाजी और कहना रहा पोई के भाजी, तो हौ हौ जहाँ पर तेन सुन एपे मोटा लालजान मिली तो ओकर से हमने दुगो का मगा दू बगल विगे करी एक जना बीच में सुते हुई उ सब हमने के खेल रहा, फिर हौ बात ने हौ बात चिपवा बात सोमो बात सोमो, जब सोमो पगल तब बतवा नहीं फेंकब हौ बतवा के धो के ओकर में पिटी पिटी रोज पत्थर यानी कि डाल के तब ओके प्लात कर देब यानी कि ओके चिपटा कर देब, तो ओकर से हमनी अथी कुक खेला तनी सब, वो हमनी ओके बजाव सब बजा के रख के अब जब सब लुकी, तो औसन औसन खेल करके हमने जिले हैं सब, औसन में बहुत तरह तरह के, और फिर दूसरा खेल रहा कानेत खेले के, मट्टी में एगो तुरु करके और एगो प्लात रोस खोज के हौ कानेत फेंकब हौ खेलब, और फिर लास्टिक लास्टिक तो सस्ता रहा तो हो लास्टिक खेलब सब, तो लास्टिक गाये हो सब हमने के हाथ भर जाए लास्टिक से, फिर लुगा थोड़ा पुराना लुगा लेके ओके काट काट के पुपेत बनाओ अब सब, ओकर से सी के पुपेत बनाब सब, पुपेत के ओकर बार डालब सब आँख डालब सब, ऐसे करके औसन औसन खेल तो अभी सब यानी कि सब खो गए बाटे, तो लैका लोग नहीं जानी खुदे बोलब तब लैका लोग जानी, तो ऐसा ऐसा खेल करके तो हमने आज हियाँ तक पहुँचली सब, और जब हमने के माता पिता हमने के पिताजी जब समाज में जयन सभा में जयन सत्संग में जयन तो हमने के लेके जयन, तो हमने जाके हवे सब अच्छा अच्छा बात अच्छा अच्छा विचार हमने के मिली हमने सुनत अली सब, हबी के लैका के बोलब चल एगो सभा में तो बोली नहीं जाए हमारा लिसों से जाए के बाली तो नहीं बा, तो हौ गुण हौ प्रभाव हो लैका लोग के कभी नहीं मिली, चाहे ला जाए के माता पिता के साथ देवे के वहाँ बड़ा आदमी से तनी संबंध रखे के तो अच्छा प्रभाव मिली अच्छा गुण मिली, जब हौ सत्संग में जाए सब तो बातचीत हो जाए सभा के बारे में कौन चीज बाव लोग करे के कौन आक्ची बीते कौन भोग गए अपन गाँव में, तो ओकर बाद में अब एगो भजन गयन जा चचा लोग गुरुजी लोग तो हम सुनत अली, तो सुनते सुनते
कौन कौन लोग गावत आलन जा, इसे तो तरह तरह के गीत गावत आलन जा। तो घरे आके ना हमू कबू कबू गाव, तो चचा बोली तू तो बुझाता आप जानत हुए गावे, इग्नि तोरा चाहे उस सभा में गावे की। तो चचा घर हुए तनि सुन थोड़ा सुन हमारा सिखा दे। तब हुआ जब हो जाए सत्संग, तब बोली आज है लैकवा ना एगो गीत गाई, यानी कि एगो 6-7 बरिस के रली। तो उनके सामने में पड़ल गावे के, पड़ेला बड़ा आदमी के बात माने के ना, जब तोहरा बोला था गाय के चाहे गाय के। तो हमके याद बा है एगो टुकड़ा गईनी, तो बहुत खुशी हो जा, हमरा भी एगो उत्साह बढ़ल कि जब बड़ा आदमी लोग खुश हो तो हमरा चला गावे के। अब तो वही दिन से शुरू करनी थोड़ा गावे के। पहला गीत है ये गैली रानी, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। यानी कि है एगो टुकड़ा खाली गैली उस दिन सत्संग में, फिर ओकर आगे और कौन सी बा तो और हमरा चचा जी बतैलन, ओकरे कृपा से थोड़ा सीखनी और आगे गुरु के पास पड़ल जाए के। पहले हम नहीं जाते नहीं सब पानी भरे, अभी तो रसोई घर में चहूँ और जहाँ देखबा तो नल बा, यानी कि गर्म पानी ठंडा पानी सब मिला था। पहले के समय में उस सब कहाँ रहल, एक रोबिने रही सरकार के दूर पर, तो गम्मे लेके सीओ लेके जा पानी के। उहो में जब पानी आरते हो गल तो जहाँ पर लासूस बा नदी बा, जा गमेल के पानी कपाल पर रख के, तो पानी आना तो घरे पक्की नहैबा लुगा धोआ, अभी बहुत सुविधा हो गल बा उस सब के। और यानी कि जैसे कि अभी राजो बा, टेलीविजन बा, डीवीडी बा, सब कुछ बा। उस समय में कोई के घरे दूर पर जेकर जेकर तनी सुन बात थोड़ा, तो ओकर लगे एगो टेलीविजन बा या के राजो बा। वो राजो अब सब कोई जाप सा सांस के वक्त लोग लगे राजो सुने, तो कामे दियन सब बैठे के, सोफा नहीं मिली, कुर्सी नहीं मिली, हौ बकुआ के बनावल चटई बिछा के, तो लड़का लोग के बोलियन सब बैठा सा हियाँ मोवे नहीं करिय सा राजो सुनिय सा। तो हम ये राजो सुनब स, तो वह राजो सिर्फ एक घंटा के प्रोग्राम मिले या 2 घंटा के, अभी तो दिन भर रात भर प्रोग्राम मिला था, कौन प्रोग्राम सुनब। लपाई के घर में हमने बड़ा रहें सा, पढ़ रहे सा, लिख रहे सा, बड़ा होली सा। और हौ लपाई के घर जब पानी आए रात के, मुटका पानी आए, तो हौ घर हौ लपाई के घर अब छुए लगी, तो हमने के माँ बाप को ची करी, हमने सुतल नहीं सा, एगो प्लास्टिक डाल दी, प्लास्टिकवा से तोप दे, तो पनिया जाने के चू जाए हमने नहीं भिंजब सा। तो अभी तो सब तरह के मशीन बा, मसाला पीसे के बा, लुगा धोए के बा, चटनी पीसे के, उस समय में नहीं रहल। उस समय में कौन चीज रहल, चाहे बहरा में जाके सील लोढ़ा रहल, हरदी पड़े कुटे के लोढ़ा से, तब कूट के ओके पीस के, तब धनिया सरसों पीमा सब डाल के अब एगो मसाला बन गल, तोरा चाहे पीसे के उधर एगो फिजिक रहल। और अभी मशीन में लुगा धोआता था, हमें घोसलावे में जाए सर लुगा धोए, घोसलावे में लुगा धोब, पानी नहीं गिरी तो चली सर नदी, बाके कपार पर रख के मोटरी बांध के चली सर नदी लुगा धोए, नदी में लुगा धो के सुखा के फिर मोटरी बांध के कपार पर रख के घरे आवा। अभी के लड़का लोग तो बहुत शर्म लगी आने के। तो मसाला पीसे के रहल बहरा में,
लुगा धोवे के बहरा में, फिर हव जौता रहल ओकर से शादी रही तो हव मसाला सब भूंज के मौसी लोग आए गाँव के तो जौता में हवे मसाला पिसाई, फिर उखड़ी मूसर रहल ओकर में भी थोड़ा हरदी कुटियन जा और जौता में मसाला पिसाए तो हव पीस पास के रखब तो शादी में सामदी दिमास लेंदी के हवे पक्की सब परिवार लोग खाए। अभी तो बहुत भारी सुविधा हो गल बाती। और उकर बाद में तब लबाई के घर के बाद तब हवे तोल के घर आवेला, तोल के घर ऐसे बने लगल। जब तोल के घर रहल तो जेकर लगे बात तो उ तनी साली डाली लाल साली रिक्शो डलाई आर नहीं तो जेकर नहीं बता तोल के घर भी लिप गोबर माटी से तो रिक्शो कब डलाई महीना में एक दिन। और रिक्शो जब डाल देबा आज लावे के रिक्शो पासे कर लो ना तो काल फजीर की कोई चीज करबा भोस कोको लेके भोसे करो, भोस कोको लेके भोसे करब तो घर तो झलके लगी फामी आई के बा। जन घर में हम जन्म ले ले रही तो लगभग 15 जना कुल मिला के रली जा, तीन गो भाई हमार पिताजी के भाई, चाची चचा बहन, फिर दादी रहल, इतना जना कोई लाहो सुते कोई नीचे सुते 15 जना उ घर में रली सा। और उ घर में जब से हम जानी जन्म ले ले रली ना तो एगो हारमोनियम रहल तो रोज चचा तनी अपन काम करके आए तो तनी बुटीक देने जातलन सा ना बुटीक देने से आके घूम घाम के आके तब पर हारमोनियम लेके बैठी तो गीत गाए तो हम सुनत अली। सुनते सुनते एकरे से एगो एन्करेजमेंट मिलल, सुनते सुनते क्योंकि हम रोज सुनत अली रोज देखत अली घर में तो रहल समस्या नहीं होल किने उने के उस समय में वो लोग गरीबी के समय में फिर भी एगो हारमोनियम किन ले रहलन जा वो लोग में हो कला रहल तो उसे हमरा बहुत भारी सुविधा होल कि हम वो लोग गावे हमरो सिखावे। फिर ऐसे करते करते जब वो लोग घरे नहीं रही तो हम छुप छुप के कबो बजावत अली ना लगभग छुप छुप के बजावे। तब एक दिन हम तो चोर पकड़ा गल, एक दिन चचा देख लग तू का कर थे दिन के ओकर हारमोनियम किन खोल के बजावत बजाने की तुर देव अब तब ले नहीं लैकवा में बा कुछ हो चाहे सीखे के तब हमके बतैलन जा और आगे पड़ल एक आदमी गुरु के पास भिजाई की तब गुरु के पास जाके और सीख ली। तब ओकर बाद में एक दिन हमार चचा बोले आज एगो गीत गा देवे तो तोरा हम ले जाब लासाल सिनेमा में फिल्म देखे के तो हम तो कबो नहीं गल हई तो उ गल माइबू लासाल सिनेमा माहे कौन फिल्म खेला था हरिश्चंद तारामती तो लेगी मुँह बेच दिलक हमू गैली 5 बजे फजीर के ओकर संगे लेगी बेच लक तब लेके गल फिल्म देखे गैली सब तो पुराना फिल्म हरिश्चंद तारामती हम लगभग 8 साल के रली तो उमें के एगो गीत हौ हौ लाज में हाँ उम्र में हम सीख ले ली मैं एक नन्हा सा मैं एक छोटा सा हमके बहुत अच्छा लगल हो गीतवा सुन के तो हम कहलो के एगो टुकड़ा सुना देव थे गीत। मैं एक नन्हा सा मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ तुम हो बड़े बलवान प्रभु जी मेरी लाज रखो, प्रभु जी मेरी लाज रखो, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ तुम हो बड़े बलवान प्रभु जी मेरी लाज रखो, 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 प्रभु जी मेरी लाज रखो। जब ये गीत गा देली तो सबके के अच्छा लगल तो अब हमर परिवार बहुत खुशी होल कि तनी गावत है गीत एक आध गो आवाज भी खुला था तो शादी में जाप सा ना जब शादी दे रही तो जाप सा गांव में या परिवार में तब पहले शादी में कब्बो एगो शादी सामदी के रात सुना नहीं रही। हल्दी विधि हो गल सब कोई के भोजन मिल गल
तो अब कोनो न कोनो एगो कलाकार आल बा ओ लोग गीत गायंस। तो कौन गीत गायंस शादी में यानी कि गमट हो। जब गमट हो तो हमने तो जाके सुनब से तब अब हमार चचा बोली तनी हमार छोकरिया एगो गीत गाई। तो वो लोगे हारमोनियम बजाए तबला तो है सब गीत गाब जन जन थोड़ा बहुत जानी ला तो गा देब तो चलाब से घरे। तो अब दिन के कुछ घर में रसोई घर में कमती हो गल बा ना आटा कि तेल। पहले तो एक कार तेल किनात हल अभी तो गालों से किन के आन के रखल बा लीद से बात से। तो एक कार जो बुतिक से तेल आनता तो अब जब जा बुतिक तब हमके सिखाने करियन सा ना गीत गाइले रहे शादी में तो हम बहुत खिंचात रही कब कुछ बोल देवत रही। अब हम सोचिला काहे बोलत रही तो उतना बुद्धि नहीं रहल ना। तब फिर से जब बोली हमार दादी बुतिक जाएगी तो हम बोलब हम नहीं जाब हमके सिखाने करेलन सा हम गीत गाइला। तो ऐसे ऐसे करके तो संगीत आज जारी रखली हियाँ रखले हैं। मॉरिशस की वर्तमान स्थिति कहनी है देश वालों से। घिरी है निर्धन जनता निष्दिन संकट के जंजालों से। मॉरिशस की वर्तमान स्थिति कहनी है देश वालों से। घिरी है निर्धन जनता निष्दिन संकट के जंजालों से। घिरी है निर्धन जनता निष्दिन संकट के जंजालों से। हाय एगो गीत जन अभी हम गईली यानी कि पहले शादी में खरी गमट नहीं होगी एगो संगीत प्रतियोगिता होता है। संगीत प्रतियोगिता के मतलब कॉम्पिटिशन ओके कोंकू बोलल जाता है। जूनाल में सब पिबलिए हुए कि पिबिसिते हुए तब आदमी ले चिट्ठी लिखी कि है कलाकार है गांव से आवता। तो उस शादी में शामदी के रात के यानी कि कुप किन के रखात रहल हवे तोहफे। तो उ रखाए यानी कि तीन गो विषय रखात रहल ईश्वर प्रार्थना एगो एग्जाम देवत है ईश्वर प्रार्थना सिपोजे शादी बा ईश्वर प्रार्थना आदर्श पति या आदर्श पत्नी या मॉरिशस की वर्तमान स्थिति। तो उसमें जब तीन गो कलाकार आए तो वहाँ तीन गो जोगी बैठी एगो खाली कॉपी देखी और एगो देखी कौन ढंग से आवत हुआ गावे और एगो ताबला यानी कि ओकर सुर ताल देखी। तो जब आवत हुआ गावे तो चाहला एगो अच्छा कपड़ा पहन के जाए के यानी कि मर्द लोग जाए तो वो लोग जोली अपन कॉस्ट्यूम क्रावात डाल के खाली को शेमीज डाल के नहीं क्रावात से कॉस्ट्यूम पालतो उसे और यानी कि हम तो बोलते नहीं तो हम तो अकेले को छोकरी जब गावे सब कहीं सौते या लोग बा फिर भी जात रही तो हम बोली तो हम किसे जाब। अब हम बहन का बोला होला रोबा पहन के नहीं जाब। तब जाके लमवार खोलब हमार माँ के देख जन सबसे जोली साड़ी बा तो साड़ी लेके ओका ब्लू सेरे उड़े कर के पहन के हम जाब यानी कि हमरा हो सैक पोवा मिली कि हम जोली से अच्छा से रिस्पेक्ट से आयल हैं। तो ऐसे कॉम्पिटिशन में तो बहुत सारे कलाकार भाग लेवी तो ओकर में सिर्फ तीन गो के मिली पहला दूसरा और तीसरा और एगो ताबला प्लेयर के मिली और लगेस के नहीं मिली तो वो लोग मुँह सुखा के घरे चल जाए। तो ऐसे तो मनोरंजन के साधन रहल। फिर जब शिवरात्रि आई शिवरात्रि के शुभ अवसर पर यानी कि कल जल चढ़ी ओकर लावे ही बोलल जाला। हम बहुत हला संगीत प्रतियोगिता में भाग लेले हैं मंदिर में हुई वहाँ पर भी ऐसने हुए वहाँ पर विषय रखा है शिव महिमा शिव की पुकार ऐसन तीन गो तक और हौजा पर भी ऐसे ही हुए। बड़ा बड़ा कलाकार लोग आए भाग लेवे रात जागरण हुए। तब ओकर दूसरा दिन 4 बजे फजी से जल चढ़ी ना तो हौ रात जागरण वहाँ इस तरह से ऐसे होलबा हम जहाँ दिखले हैं बहुत हला हम भाग ले हैं कॉम्पिटिशन में और कहूँ लासाल सिनेमा में कॉम्पिटिशन होलबा
जाने कि लसा सिनेमा नाज में भाग ले हैं माई बू, फिर आर्य समाज में भी हुआ पर भी श्रावण के मास के अवसर पर हुआ भी कॉम्पिटिशन यानी कि संगीत प्रतियोगिता हुई तो उसमें भी हम ढेर भाग ले हैं। और जितना समाज रहल बड़ा बड़ा सभा रहल तो उस सब में हम जातनी तो एक दिन एगो एगो सभा रहल कलाकार लोग के संगीत युवक संघ उ सैप के एलवेशिया में रहल वहाँ पर गुदगदत पुकन बड़ा कलाकार रहलन उ सब गायक के बटोर के एगो सभा बनैले रहलन तो ओकर में एक दिन प्रोड्यूसर एमबीसी के चंद्रदत्त गोकुल सिंह आल रहलन तब बोलन कि तह लोग खाली ऐसे शादी में गावे ला जा सभा में गावे ला तह लोग के एगो मौका देव अब सा एमबीसी में आके गाय के तब कैसे एमबीसी में पहुँचबा बहुत समस्या रहल तो उ दिन हम एगो चिट्ठी लिखनी चंद्रदत्त गोकुल सिंह के तब उ हमके एगो उत्तर देलन कि हर दिन के आवत ही तोहर जगह में तोहर समाज तोहर सभा में तोहर से मिले तोहर ग्रुप के साथ तोहर रिहर्सल चाहे देखे के तू अच्छा से गईब तब तोहर सेलेक्टे हुईब तब तोहरा चाहे एमबीसी जाए के तो सचमुच अलन गोकुल सिंह जी आके हमार प्रोग्राम देखलन तब बोलैलन तब एमबीसी में पहला ला ब्लैक एंड व्हाइट के जमाना में 15-16 बरिस के रली तब गैली तो हवे गीत गैले रली एगो टुकड़ा तो हल के सुना देवत हैं जन हमार गावल गीत रहल नंद किशोर नंद गोपाल झूले झूले मेरे लाल आवो रे आवो झूला झूलावो आवो रे आवो झूला झूलावो नंद किशोर नंद गोपाल झूले झूले मेरे लाल आवो रे आवो झूला झूलावो आवो रे आवो झूला झूलावो नंद किशोर हाँ एगो टुकड़ा गीत रहल जब पहला ला टेलीविजन में पारित होली तो उ बहुत बड़ा चीज रहल ओकर जोर से बहुत लोग हमरा भी जाने लगल और ओकरे कृपा से अब हम तनी शादी में भी गावे लगली। शादी में जब गावे लगली गीत तो शादी में कौन गीत गाइब हरदी विधि हो गल सबके भोजन हो गल तो एगो ईश्वर प्रार्थना गाइब और एकाध गो फिल्मी गीत तब हवे नवा जन फिल्मी गीत के ओकर शब्द यानी कि ओकर पागोल सौजे करके ओके बोला तलिसा सौते कंपोजे तब ओकर दोहा बोल के तब ओकर गीत गाइब तो हुआ पर ही एगो कलाकार यानी कि एगो सौते बा और हम कबो कबो दुगो सौते कबो तो उस समय में कौन सी वाद विवाद हुए यानी कि लाकोस तो सब कोई बड़ी ध्यान से सुने कि आज के कर जीत हुई आ छोकरिया जीती या सौते हुआ तो हमार तो बड़ी मुँह चले हम तो कुछ बोल उल देवत रहनी आज ले कोई नहीं सकी बोले कि हमार हार होल बा हम बड़ाई नहीं करत हैं हम सगरे हमार जीत हो रहल औसन गीत से हम तनी और मोते होली गईनी गईनी तो अब औसन गमट नहीं बा अब जब से भोजपुरी गीत निकलल बहुत भारी जब अब टीवी राजो तो अब उतना मौका नहीं बा सुने के ना शादी में लेकिन अच्छा रहल औसन रहत तो लड़का लोग के अच्छा लगत सुने के सीखतन सा कौन सी है हुआ पर जब लाकोस हुए तो एगो विषय पर रामायण महाभारत या कोनो धर्म के विषय पर हौ गीत हुई तो हुआ पर ही सवाल जवाब हुई सवाल यानी कि रामायण में से निकली तो हमने के पढ़ा तहल तुरंत तुरंत अपन ओकर रिपोंस यानी कि देवी के तो वो एगो दूसर मजा रहल सुने के सब कोई ओकर से फायदा उठावे जैसे कि गमट में फिल्मी गीत के कंपोजे करके गावत अनिसा तो
एगो टुकड़ा सुना देव थी तो लोग के हमके याद हुआ था। जिया बेकरार है छाई बहार है, आजा मेरे भैया तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है छाई बहार है, आजा मेरी बहना। जब एगो सौते से गई बा तो बोलबा आजा मेरी बहना तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है छाई बहार है, आजा मेरे भैया तेरा इंतजार है। यानी कि बोला था भाई जी तोहरा इंतजार बा, अब तू हमरा कौन ची बोलबा, ओ तू आके अपन गीत में बोला। तो ऐसे करके तो हमने के बरत हाल 12-1 बजे रात बिताए के बहुत अच्छा लगे। जनता तो घरे नहीं जाए, बहुत अच्छा रहा सुने के। और लोग एगो लिग्जॉम भी मिलत रहा, एगो निदे भी मिले कि कैसे गावे के, ऐसे देख देख के कितना कोई सीखले बा। तो हम मांग करते कि नौजवान लोग भी उसे तनि सीखत अच्छा रहा। यानि कि MBC में हम जब गैनी गावे पहला हला तो कैसे बहुत मान सम्मान उत्साह बढ़ल, और तरह तरह के जब वहाँ पर कॉम्पिटिशन डालत हल MBC तो हम भाग ले। भाग लेते गईनी, गईते गईनी और गम्मत के भी गीत गईनी, और मौका मिलल तनी और गुरु लोग से दर्शन करे के और कुछ हारमोनियम सीखे के गुरु के पास जाके। फिर ओकर बाद में थोड़ा सुन MGI भी जाए के हमके मौका मिलल। MGI यानी कि अभी तक मॉरिशस में एगो 4-5 गो सौथ हो गल बा करीब में। हाउ समय में सिर्फ MGI रहल मौका परत हल तोसपो भाड़ा पे ये करके जाए के। वहाँ पर ही गुरु जी श्रीवास्तव जी के साथ हमके मौका मिलल फैसिया करे के। गरीबी के कारण दूसरा बरिस हम नहीं सकली जाए हिये परल परल छोड़े के। तब हौजे से हम गावे के शुरू कर ली बजाए के। तब थोड़ा पैसा न मिली तो सब बतनी पढ़ाई उढ़ाई करे लुगा उगा कि नहीं, एकदम गरीबी के जमाना रहल उस समय। तो जब जेबे गीत गावे पंडाल में तो गाय से पहले एगो दोहा बोला तनी सा। दोहा के सुर ताल उ दूसर ह, जब दोहा बोलबा तो एकर में तबला नहीं बजेला। चाहेला हमनी के शब्द शब्द बोले के तब अपन गीत शुरू करबा। तो तोहरा एगो टुकड़ा दोहा सुना देव थी। दान नहीं दक्षिणा नहीं खाली हाथ आई हूँ, दान नहीं दक्षिणा नहीं खाली हाथ आई हूँ। पूजा के विधि नहीं जानू मैं, पूजा करने आज आई हूँ। तेरा दिया हुआ वस्तु को लेकर तुझ पर चढ़ाने आज आई हूँ। तेरा दिया हुआ वस्तु को लेकर आज तुझ पर चढ़ाने आई हूँ। जब दोहा बोलब सना जनता लोग बोली वाह 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 वाह, तो यही लोग के मजा रहल। जैसे कि पहले सिर्फ 2 गो सैन रहल, देखे के उतना सुविधा रहल सिर्फ 2 गो सैन में। लेकिन अब भी जोन बा प्लीजियस सैन चलाल बाते, ई तो बहुत खुशी के बात बा। बहुत मेहनत के साथ कड़ी तपस्या चाहरा बोले के ता आज उस सैन हमने के सबके प्राप्त हो बा, सबके सुविधा बा। सिर्फ अमर नहीं जितना कलाकार बा आज वो सैन देख के, वो भोजपुरी चैनल देख के सब कोई पब्लिसिटे भी हुआ था और वो लोग के प्रोग्राम भी ज़्यादा मिला था। जैसे कि हम अपने आप के बोलत हैं, हमके तो प्रेस के हर रोज के हमारे प्रोग्राम TV में रेडियो में मिलेला, और खुश होवेला हमने के मन में खुश पैदा होवेला। लड़का लोग जहाँ काम करेला कॉलेज में वो लोग भी बोलेला मधु प्रोग्राम ऐसे ऐसे देख के। सिर्फ हमर नहीं, हमार सब भाई बहन कलाकार लोग के तो सैन मिलल बा। आज ओकरे जरिए आज थोड़ा सा नाम भी होल हमने के सब कलाकार लोग के साथ साथ हम भी हैं। और जब हौ गमर तनी सुन गिरे लगल तो हमने भोजपुरी गीत गाए के पसंद कर ली जा। और भोजपुरी जब गईते गईते एगो 10 बरिस हो गल जब से भोजपुरी के आज चलती बा हमने के देश में, तो बहुत सारे कलाकार
भोजपुरी के सीधी निकल गैलन जा, देश विदेश गैलन सा जात हवन सा है भोजपुरी के जोर से। जब हिंदी गवात हल रहल उतना नहीं रहल, मैं अभी भोजपुरी और है भोजपुरी सैन देख के भी देश विदेश में सैन मिला था, वो लोग देखा हवन जा इंटरनेट के जरिए, तो इससे बहुत फायदा मिला था हमने के। तो चला हमने के सब भाई बहन के धन्यवाद करे के जे एक में अपन जोर लगा के काम कर ले हवन जा, कोई के नाम नहीं धरत हैं उ भाई लोग के हम बहुत धन्यवाद करत हैं। और जैसे कि हम अपन के लिए वत हैं, हम जब भोजपुरी गीत अपन सीधी निकली तो एक ही गो गीत ओका में से एकदम आज हमरा तनी दूर ले पहुँचेलक, देश विदेश पहुँचेलक। यानी कि उ गीत जैसे कि उ गीत लेके हम गईली कॉन्फ्रेंस में लखनऊ, जुबेदा लुटो लेके जाए हुआ गईनी। फिर ओकर बाद में हमके दू हला मौका मिलल लंगलेते जाए के, लाफ्रांस जाए के, पालेमो जाए के, कातानिया जाए के, तो ऐसे ऐसे मौका मिलल। और सैन के जरिए यानी कि दूसर देश में यहाँ के हमने के भाई लोग अपन सभा बनैले हवन जा, उस सभा के जरिए हमने के बलावे लन जा हुआ अपन शो करे के, जैसे कि संक्रांति के अवसर पर, लय दे पाँव दौस पर। तो वो लोग है कैसे वो लोग दिलचस्पी रखलक है सैन वो लोग के मिला तो हुआ पर भी वो लोग देखेला तो वो लोग कलाकार के बलावेला। तो हम तो एक हम बहुत बहुत धन्यवाद करब जाने कि है सैन सब कोई देखे जा, कैसे लाभ उठाया जा और देखते रह जा। और इतना बोलत हैं जितना कोई 50 के ऊपर से बा उम्र में वो लोग ज़्यादातर है सैन देखे के बहुत दिलचस्पी रखेलन जा। शहर के लिजिनवा में जोली जोली छोकरी, शहर के लिजिनवा में जोली जोली छोकरी, जुबेदाल तो लेके जाए, जुबेदाल तो लेके जाए, चुन चुन के मारे नजरिया, हाय जुबेदाल तो लेके जाए, जुबेदाल तो लेके जाए, चुन चुन के मारे नजरिया, पत्री पत्री मंगिया गे भौजी, पत्री पत्री मंगिया गे भौजी, सिंदूरवा शोभे लतूत, सिंदूरवा लहरिया गे भौजी, अरजियरा मोहे लमोर, सिंदूरवा लहरिया गे भौजी, अरजियरा मोहे लमोर। कैसे लगे था, अच्छा रहा गीत वन बल, अच्छा रहा, अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा ना। नहीं ना भुला लू अपन भोजपुरी वन, नहीं नहीं याद बा, थोड़ा 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 कोशिश करी सीखे की तनी, तो सब फिनी हो जाए एक दिन। क्या बोलत हो, अच्छा बोलत है ना। कैसे रहल, अच्छा रहल आज के रिहर्सल, अच्छा रहल। तोरा जरा याद करे की तनी अपन भाषा भूलिए नहीं है, सीखिए। हाँ जैसे कि हमारे एगो छोटा ग्रुप बा, इ ग्रुप के नाम तो यही नाम से दिखती प्रचलित बा, जैसे कि सब कोई बोलेला मंदा मगम्बा गाम तुहल सो ग्रुप, तो हये नाम से प्रचलित बा। तो हमने हमारे एगो ग्रुप बा ओकर में लगभग 8-9 जना है सब। जैसे कि शादी ले बा तो शनिवार के रात्रि में ओकर हल्दी विधि यानी कि ओकर हरिश विधि से लेकर हमने म्यूजिक पर गाए रह सब, हर हरिश विधि हल्दी विधि के बाद तब एगो 2-3 घंटा हमने एगो शो गाए थे शादी में गाए जा। और लेबा अब दिमाग के शादी बा यानी कि रविवार के, तो द्वार पर बारात आल बा, तो हमने ओकर इमली घोटाए से म्यूजिक पर ले ला सब। इमली घोटाए से बीच बीच में मौका मिलेला ओकर परछावन सब गा के, और ओकर विदाई तक जब ले दुल्हिन नहीं जाए तो हमने वहाँ पर ही परफॉर्म होला सब। अब का चौथारी में ले बा, चौथारी में भी हमार नृत्य करे होला 4-5 गो लड़की हवन जा, हमने कागाओ के भी करी ला सा, लाइव भी गाई ला सा। तो यही हमार एगो छोटा ग्रुप है, और हम ऐसे खास कर थोड़ा सुन पार्ट टाइम हिंदी करी ला लड़का लोग के साथ, हम जन थोड़ा बा कुछ बाँटी ला तो लेके थोड़ा हिंदी पढ़ाई ला और थोड़ा गीत भी सिखाई ला, अपन मौका निकाल के जन कुछ बा हमने के चाहेला हमेशा दान करी के। तो यही हमारे एगो छोटा बीतल दिन की कहानी रहल।
डाल तोले।